नमस्कार, सुप्रभात। वीएमआर भारत टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीनगर में गांदरबल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, मुठभेड़ में दो आतंकी हुए ढेर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी से मिले मुस्लिम धर्म गुरु, मस्जिद के लिए मांगे ऐसी जगह जहां बन सके इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अंबाला में श्रद्धालुओं से भरी बस के पलटने से एक महिला की हुई मौत, 35 घायलों में से 4 की हालत गंभीर। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को हुई मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया है। दरअसल सुरक्षा बलों को गांदरबल में कुल्हन के जंगल में छुपे होने की खुफिया सूचना मिली। खुफिया सूत्रों ने उन्हें बताया कि कुल्लन के जंगल में लश्कर ए तैयबा के 5 से 6 आतंकी छुपे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों के जवान जब वहां पहुंचे तो आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। तो वहीं सुरक्षा बलों के जवाबी फायरिंग में अब तक 2 आतंकी मारे गए। अभी जंगल में 2-3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। उधर नई दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 5वें दिन बदलाव देखने को मिला। आज मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमतों में 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। आपको बता दें कि आज दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में डीजल 12 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। तो वहीं चेन्नई में डीजल के दाम में 13 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल 73.30 रुपए और 78.97, तो वहीं 76 रुपए और 76.18 रुपए प्रति लीटर के भाव पर ग्राहक को मिल रहा है। तो उधर उत्तर प्रदेश में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शिया और सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। करीब 1 घंटे चली इस मुलाकात के दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुख्यमंत्री से अयोध्या में मस्जिद के लिए ऐसी जमीन मांगी है जहां इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो सके। तो वहीं धर्मगुरुओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का कहर जारी है। धमघोटू जहरीली हवा से लोगों का सांस लेना दुश्वार हो रहा है। तो वहीं आज दिल्ली की लोधी रोड इलाके में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार लाधी रोड क्षेत्र में पीएम 2.54 पर और पीएम 10,287 पर रहा। इसी तरह गाजियाबाद में इंदिरापुरम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 443 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ई रिक्शा चालक को लूट का विरोध करना भारी पड़ गया। बदमाशों ने रिक्शा चालक की पकड़ छूटने के लिए सिर में गोली मारकर उसकी मौत की घाट उतार दिया। 45 वर्षीय शिशुपाल सिंह की मौत के बाद से ही परिवार में कोहराम मच गया है। पूरी घटना थाना कारसी के क्यामपुर मोड़ की है। बदमाश राह चलते लोगों से लूट की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसे देखकर शिशुपाल ने चोर चोर का शोर मचाकर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद बदमाश ने हत्या की घटना को अंजाम देकर भागने लगा। लेकिन भीड़ ने बदमाश को पकड़ लिया और जमकर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हिसार अंबाला नेशनल हाईवे पर मटेड़ी गांव के नजदीक श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटनाग्रस्त में एक महिला की मौत और 35 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं 4 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार कुल 35 घायलों में से 2 बच्चों के कंधे की हड्डियां और 2 महिलाओं की पसलियां टूट गई है, जिसके चलते उन्हें PGI रेफर कर दिया गया।
तो उधर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का पद खाली है। आपको बता दें कि इस पद से हाल ही में विरल आचार्य ने इस्तीफा दिया था। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाला सर्च पैनल इस पद के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश में जुटा है। खबर है कि सर्च पैनल ने 7 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इस उम्मीदवारों का 7 नवंबर को इंटरव्यू किया गया था। सरकार ने एक महीने के भीतर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का पद भरने को कहा है। मोदी सरकार में यह चौथी बार डिप्टी गवर्नर के लिए उम्मीदवार तलाशा जा रहा है। जयपुर के कला और सांस्कृतिक केंद्र जवाहर कला केंद्र द्वारा 3 दिवसीय म्यूजिक फेस्टिवल सुर ताल का आयोजन किया जाएगा, जो कि 12 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित। इस फेस्टिवल में प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे सेमी क्लासिक म्यूजिक के कार्यक्रमों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। इस फेस्टिवल में संगीत प्रेमी मोहम्मद वकील, विधि शर्मा जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के प्रस्तुतियों के साक्षी बनेंगे। तो वही कार्यक्रम का विशेष आकर्षण जुड़वा भाई गीत भट्ट और संगीत भट्ट का मोटिवेशनल शो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ऐसा होगा, जिसमें वे पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट से रूबरू होंगे। इस फेस्टिवल के तहत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। तो वहीं भरतपुर के बयाना के रेलवे जंक्शन स्टेशन के पास करीब 4 साल के अज्ञात बालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। तो वहीं पुलिस मृतक बच्चे के परिजनों और मौत के कारणों की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार इस दौरान आई अजमेर से कलकत्ता के बीच चलने वाली अनन्या एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करते समय संभवतः इस बालक की मौत हो गई होगी। एक बच्चा है 3-3.5 साल का, जिसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बयाना साइड में झाड़ियों के पास में प्लेटफॉर्म पे कोई छोड़ गया, जो बच्चा मृत है सोल में लिपटा हुआ है। उधर मनोहरपुर कस्बे में एक दूल्हे दुल्हन ने दहेज मुक्त शादी रचाकर समाज में एक अनूठा संदेश दिया है। यहाँ डॉक्टर मानराज खन्ना का विवाह अमीषा के साथ हुआ। इस विवाह में वर पक्ष ने दहेज नहीं लेकर 1 रुपया और नारियल रस्म के तौर पर लिया, जिसके आसपास के क्षेत्रों में सभी बारातियों ने दहेज मुक्त शादी की प्रशंसा की है। इस दौरान शादी में पहुंचे लोगों ने दहेज मुक्त इस शादी को समाज में दहेज प्रथा की कुरूतियों पर कड़ा प्रहार बताया। इस शुभ अवसर पर अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति ने एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया। गरीब तबके के लोगों को बहुत बार पड़ता है। इसके अंदर कोई गरीब इंसान अपने अच्छी बेटी की शादी अच्छे घर होने कर पाता है और बहुत जीवन से मर जाता है। वो कई घरेलू प्रताड़ना आदेश के 1 रुपये नारियल में सभी शादी करें और इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दें। शादी के सभी में 1 रुपये होने चाहिए और दिखावे से भी दूर रहें एकदम। यही क्या था कम समाज, हाँ इसमें क्या करना है, हम मम्मी के पापा के और मेरे सभी ने सगाई से लेकर शादी के आखिर तक जितने नए होते हैं सभी 1 रुपये में ही मांगे और जितने भी सगाई वाई की अंगूठी होती है ये भी सब अपने अपने खर्चे से सूटेबलों को करो, अगले वालों को लोन में डालो नहीं, अपने ही खर्चे के सारे जरिए मुझे करिए। फालतू कपड़े जो मत लो जितने हो सके, कम से कम 1 से 1.5 रुपये दुआई रखने की ज़्यादा ना रखें। यही मैं बयाना कस्बे की रेलवे पुलिस चौकी के निकट चिंताहरण हनुमान मंदिर परिसर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी और सभी लोगों ने एक साथ पंगत की में बैठकर अन्नकूट की भोजन प्रसादी ग्रहण की। आयोजन समिति के संयोजक मलखन सिंह मीणा और विजय सिंह गुजर ने बताया कि अन्नकूट महोत्सव के आयोजन से 1 दिन पूर्व अखंड रामायण पाठ, भजन कीर्तन, महाआरती और फूल बंगला झांकी सजावट और विशेष पूजा अर्चना आदि कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस मौके पर अन्नकूट समारोह में आरपीएफ इंचार्ज शिवराम सिंह, जगदीश प्रसाद, उमरली देवी, चंचल कुमारी, कांता देवी के साथ में मीरा देव आदि कई जने मौजूद रहे। हाँ सर बताएं। हर वर्ष के बाद यहाँ पे श्री बालाजी मंदिर पे अन्नकूट का आयोजन किया है
जिसमें भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। ये सब हम सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से हर वर्ष किया जाता है, उसी प्रकार इस साल भी इसका आयोजन किया जा रहा है और सभी श्रद्धालु बड़े प्रेम भाव से आके अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और फिलहाल सुप्रभात भारत में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए VMR भारत TV और मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।